दोस्तों, दूर कहीं अरेबियन सी में एक ऐसा आइलैंड है जो कि इस प्लैनेट का लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो किसी और ही प्लैनेट का है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोकोट्रा आइलैंड यमन देश का एक हिस्सा है और ये 800 रेयर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज का घर है। ये इंडियन ओशन के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मौजूद है, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच में। यहाँ पे करीब 40,000 लोग रहते हैं। इस आइलैंड के इतने अलग होने की वजह से यहाँ पे कई टूरिस्ट आते हैं, यहाँ के नेचर और वाइल्ड लाइफ को करीब से ऑब्जर्व करने के लिए। इधर पाए जाने वाली रेयर स्पीशीज की वजह से सोकोट्रा 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। इस आइलैंड पे सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा यहाँ के पेड़ों पर। यहाँ पे कई अजीब किस्म के पेड़ पाए जाते हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ के पेड़ों ने यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। यहाँ का शायद सबसे फेमस पेड़ है ड्रैगन ब्लड ट्री। इसका ये नाम इसके रेजिन से मिला है जो कि रेड कलर का होता है, और ये ट्रीज पूरे पहाड़ और प्लेन्स में फैले हैं। इस आइलैंड पर मौजूद ज़्यादातर ड्रैगन्स ब्लड ट्रीज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुराने हैं। दूसरा पेड़ जो यहाँ पे पाया जाता है वो है एलिफेंट लेग ट्रीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ट्रंक्स किसी एलिफेंट के पैर जैसे हैं। ये यहाँ की सबसे स्ट्रेंजेस्ट स्पीशीज है और ये भी सिर्फ इस आइलैंड पे ही पाए जाते हैं। वाइट सैंड्स। दोस्तों, आप दुनिया का कोई भी डेजर्ट देख लो, वहाँ पे गोल्डन कलर का सैंड होता है, लेकिन इस आइलैंड पर वाइट कलर का सैंड है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अगर आप कभी बीच वेकेशन पे आना चाहें तो ये उसके लिए काफ़ी सही जगह है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप यहाँ पे कभी आना चाहेंगे। यहाँ पे पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स भी सिर्फ इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। अब इस कौवे को ही देख लीजिए। नहीं, ये हमारे यहाँ पे पाए जाने वाले कौवे जैसा दिखता ज़रूर है, पर ये कौवा नहीं है। ये कोई और बर्ड है जो इस आइलैंड पर पाए जाते हैं। यहाँ पे कई अलग तरह के रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग सोकोट्रन कैमेलियन और कई तरह के स्किंक्स जो कि लिजर्ड्स हैं लेकिन दिखने में स्नेक्स जैसे हैं। यहाँ की मराइन लाइफ भी काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ क्रैब्स के 300 स्पीशीज पाए जाते हैं और यहाँ लॉबस्टर और श्रिम्प्स के अलावा 700 से ज़्यादा कोस्टल फिश और साथ ही रिलीफ बिल्डिंग कोरल्स के 253 स्पीशीज पाए जाते हैं। ब्लू बबून स्पाइडर। ये टेरेंट्यूला की काफ़ी रेयर और यूनिक स्पीशीज है जो कि इस आइलैंड पर पाई जाती है। ये टेरेंट्यूलास ब्लू कलर के हैं और इन्हें ब्रिटिश टेरेंट्यूला सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड्स प्रीटीएस्ट टेरेंट्यूला का खिताब मिला। कोल्ड वॉर रेलिक्स। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान सऊदी अरेबिया को जर्मन आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया था, फिर ब्रिटिश ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया कोल्ड वॉर तक। उस टाइम के दौरान सोवियत यूनियन ने सोकोट्रा आइलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। आज भी यहाँ पे उस वॉर के रेलिक्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि ये टैंक जो कि डेजर्ट के बीच में पड़ा हुआ है। कई सालों तक ये एक मिलिट्री बेस था। सोकोट्रा सिर्फ प्लांट और एनिमल्स का घर नहीं है, यहाँ पे लोग हजारों सालों से रहते आए हैं। उनकी खुद की सोकोट्री लैंग्वेज है। ये आइलैंड कई सेंचुरीज से ट्रेड रूट्स का पार्ट रहा है। यहाँ पे सेलर्स के आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं जो कि 1st सेंचुरी BC के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं। यहाँ कोस्ट पर कुछ एंशियंट अबैंडन्ड किले हैं जो कि फ्री है विजिटिंग के लिए, और अगर आप कभी सोकोट्रा आइलैंड आए तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्योंकि ये आइलैंड इतना यूनिक है अपने फ्लोरा और फौना की वजह से, इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, ताकि यहाँ पे मौजूद रेयर एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीशीज को बचाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।